और इन्वेस्टमेंट भी लगभग इस हिसाब से करिए आप, अगर आप ये सोचना चाहो कि यार मैं 10-20-50 हज़ार धंधे में लगाऊं और मेरे को महीने के 20 हज़ार मिल जाए। कॉपर स्क्रैप बिजनेस, बिजनेस को कैसे करें या कैसे समझें, कॉपर का जो काम होता है वो कई तरह का होता है। एक कॉपर लिया, कॉपर बेच दिया, ये भी काम होता है। कॉपर लाए, पीवीसी लाए, रिसाइकिलिंग करा, वो बेच दिया, या अदरवाइज कहीं कूलर पंखे का कॉपर लाए उसको बेच दिया। तो इन्हीं सब बारे में बात करूंगा आज मैं आपका दोस्त रिजवान सेठी। कि कॉपर की कैटेगरी जो होती है वो कितने तरह की होती है और किस तरीके से हमें कॉपर का बिजनेस करना चाहिए, या जो मैंने अनुभव कराया आज तक तो किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप कॉपर का बिजनेस शुरू करना चाहिए, इसी सब बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए कॉपर जो होता है, मान लीजिए हमने कहीं से कॉपर मटेरियल परचेज करा, निकला हुआ कॉपर, और हमने आगे सेल आउट कर दिया, इसको बोलते हैं बिचौलिया वाला काम, कि हमने इधर से कॉपर उठाया इधर बेच दिया। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगती है बहुत मोटी। एक काम होता है हमने कहीं गए पीवीसी कॉपर उठाया, रिसाइकिलिंग करा और हमने आगे बेच दिया, इसमें अपना इन्वेस्टमेंट होता है थोड़ा। ऐसा कोई धंधा नहीं है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना होता हो। अगर धंधा करना है, बिजनेस करना है, तो इन्वेस्टमेंट करना होगा और इन्वेस्टमेंट भी लगभग इस हिसाब से करिए आप, अगर आप ये सोचना चाहो कि यार मैं 10-20-50 हज़ार धंधे में लगाऊं और मेरे को महीने के 20 हज़ार मिल जाए, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट धंधे में आप करोगे, पैसा आप लगाओगे, उतना अच्छा आपका धंधा निखर के आएगा, प्रॉफिट ज़्यादा देगा। अब बात करते हैं कॉपर की कैटेगरी की, जो मैंने आपको बताया कि भी अलग अलग कैटेगरी होती है और किस तरीके से ये काम करता है। तो मोस्टली जो ज़्यादातर लोग लगे होते हैं वो पीवीसी वगैरह का जो वायरिंग वाला होता है, जैसे घर की वायरिंग हो गई, गाड़ी की वायरिंग हो गई, इंडस्ट्री का वायर हो गया, ये जिस भी तरह का वायर देख रहे हो, इस तरह की जितनी भी वायरिंग होती है, इस सारी वायरिंग को हम लोग लेकर आते हैं, एक रिसाइकिलिंग प्रोसेस से उसको गुजारते हैं, उसके बाद में हम प्लास्टिक को अलग कर देते हैं और कॉपर को अलग कर देते हैं। प्लास्टिक अलग सेल आउट हो जाता है, कॉपर अलग सेल आउट हो जाता है। तो इस तरीके का एक ये धंधा हो गया कॉपर का, जिसको हम एक स्मॉल बिजनेस के रूप में देख सकते हैं, एक छोटा बिजनेस समझ सकते हैं, हम अपने घर में लगा सकते हैं, हम अपने कहीं भी छोटी सी जगह में लगा सकते हैं। तो इस तरह का जो धंधा है ये मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इसको लोग बहुत हद तक लोग कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों में आज भी नहीं पता। अब यहाँ पर एक समस्या आती है कि भाई इसको शुरू कैसे करें। तो सबसे पहले समझिए, मैं हमेशा कहता हूँ, इसमें आपने जो अपना एरिया है, जिस भी आप एरिए के, इवन आप ऑल इंडिया में कहीं भी हों, सबसे पहले अपने मटेरियल की खोज करें कि आपको मटेरियल की सोर्सेज जो हैं कहाँ से मिल सकता है, कितना मिल सकता है, किस किस कैटेगरी का मिल सकता है। इम्पॉर्टेंट इस धंधे में ये है, इस धंधे में मशीन लेना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस धंधे के अंदर आपको कॉपर बेचना कहाँ है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर धंधे के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें आपको कॉपर की सोर्सेज कहाँ से मिलेगी। इलेक्ट्रिक वायर की बात कर रहा हूँ मैं, कॉपर स्क्रैप की बात कर रहा हूँ मैं, जो कॉपर वायरिंग होती है वो कहीं से भी निकल सकती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, गाड़ी से निकल जाए, घर से निकल जाए। तो हम सबसे ज़्यादा जो फोकस करेंगे अपना उस वायर पे करेंगे कि ये हमें मिलेगा कहाँ से सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले जो भी नए धंधे में इसमें घुसना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, अपना एक स्मॉल धंधा करना चाहता है, अपने घर में, दुकान में, कहीं भी इसको करना चाहते हो, तो सबसे पहले वो घुसे मटेरियल की खोज में। उसके बाद में सेकंड पॉइंट इसका आ जाता है रिकवरी का पॉइंट, थर्ड पॉइंट आता है इसका सेल आउट का। तो ये एक कॉपर का पीवीसी का धंधा हो जाता है, इसको हम कबाड़ी वालों से भी ले सकते हैं, कहीं बिल्डिंग टूट रही है वहां से भी ले सकते हैं, प्लास्टिक बोतल कचरा बेचने वाले हैं वहां से भी ले सकते हैं। तो ये एक हमारा पीवीसी वाला धंधा हो गया। और इस बारे में अगर आपको अच्छे से डिटेल चाहिए, जानकारी चाहिए, तो मैंने काफी वीडियो डाला हुआ है, आप यहाँ भी सर्च करके देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। हमेशा मशीन से बचें, फर्स्ट मशीन नहीं होती, हमेशा कहता आया हूँ, बिल्कुल भी मशीनों के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े कि और लोगों के मुकाबले, जैसे लोग बोल देते हैं कि 40 हज़ार लगाओ और महीने के 50 हज़ार कमाओ या पर डे के 5 हज़ार कमाओ, भाई ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहाँ इतनी हैवी डोज मिलती हो कि 50 हज़ार लगा के पर डे का आप 5 हज़ार कमा रहे हैं, 1.5 लाख महीना बैठता है, भाई साहब अंबानी अपना काम छोड़ के इस काम में आ जाएगा, इतना हाई अर्निंग वाला काम हो जाता है। तो बेवकूफ ना बने, ना बेवकूफ बनाए किसी को। अब दूसरी बात करते हैं हम कॉपर की। जैसे हम लोग मान लीजिए कहीं एरिया में, हम पंजाब से हैं और हम ये चाहते हैं कि भाई हम कॉपर का बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन हम अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मोटा, तो वो लोग अपना क्या कर सकते हैं, जैसे जितने भी छोटे लेवल के लघु उद्योग वाले हैं, जैसे आप मशीन से कॉपर निकाल रहे हैं, उनका कॉपर आप परचेज कर सकते हैं, उनका परचेज करा, आपने क्वांटिटी बनाई, क्वांटिटी 2 टन 4 टन 5 टन 10 टन, उसको एक बड़े डीलर को आप सेल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपको एक अच्छा अर्निंग मिल जाता है, आपको 10 से 20 रुपए किलो का अर्न हो जाता है यहाँ पर केजी का, आप एक तरीके से अगर इसको करना चाहते हैं। हमेशा एक बात बताता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है,
कभी भी अगर आप स्क्रैप के धंधे में घुस रहे हैं या किसी भी धंधे में घुस रहे हैं, क्वालिटी का खेल सबसे ज्यादा समझें कि हमें मटेरियल की क्वालिटी कैसे बनानी होती है। विदाउट मटेरियल क्वालिटी के आप प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते, प्रॉफिट आप नहीं निकाल सकते। ये अपना कॉपर का बिजनेस हो गया, परचेजिंग करना, सेल आउट करना, इसमें सिर्फ दो ही रास्ते हैं, इसमें ज्यादा भागे दौड़ी होती नहीं है। तो इसके अंदर इतना ही काम हो जाता है, और स्क्रैप वाले में आपको मटेरियल लाना है, रिसाइकलिंग करना है, उसके बाद सेल आउट करना। फिर एक कॉपर का धंधा एक और आ जाता है, जिसे लोग आजकल बहुत सोचते हैं कि यार हम इम्पोर्ट करके भी तो ला सकते हैं, है ना। इम्पोर्ट करना बहुत मतलब इम्पोर्ट करके लाना बहुत आसान है, यूट्यूब पर बहुत वीडियो मिल जाएंगी कि यार हम मटेरियल इम्पोर्ट कर लेते हैं और मटेरियल ला के यहाँ सेल आउट कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, आप लोग जब देखते हैं भाई, जो इम्पोर्ट करते हैं वो लोग ज़्यादातर मिडिल क्लास से ऊपर के लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वो सर्च वगैरह करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, यार हम तो यार चीन से मंगाएंगे 400 रुपये केजी में पड़ रहा है, यूके से मंगाएंगे यार हमें तो 300 रुपये केजी पड़ रहा है, हम ऑस्ट्रेलिया से मंगाएंगे यार हमें 450 रुपये किलो पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसा पड़ता है। ये जो मंगा रहे हैं या बेच रहे हैं उनको भी पता है, डॉलर सब जगह बराबर चलता है, खाली ये मार्केट कॉपर इंडियन मार्केट नहीं होती है, ये शेयर मार्केट से चलती है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्राइस फिक्स होता है। जितनी आपको दिखाई देगी मलाई या रसगुल्ला अच्छा लगेगा ना देखने में आपको, बस ये समझ लेना कहीं ना कहीं लफड़ा है। फ्रॉडों से बचें, नकलचियों से बचें, सावधान रहें, सारी चीज़ों से बचें। और आज आपके लिए गुड न्यूज़ कि अपना हैदराबाद में अपना ब्रांच ओपन हो गया है, जिसके बारे में काफ़ी समय से चर्चा चल रही थी। तो अफजलगंज हमारा डिसाइड हुआ है, चार मीनार के पास में है अफजलगंज। जो हैदराबाद के लोग हैं, बेंगलोर के लोग हैं, कर्नाटक के हैं, तमिलनाडु के हैं, वो लोगों को पता ही है कि अफजलगंज हैदराबाद में कहाँ पड़ता है। तो अपना एक अफजलगंज में अपना एक डीलरशिप दे दिया है हमने, तो अपना जो मटेरियल है आपको अफजलगंज से भी मिल सकता है, हमारी डीलरशिप शॉप से वहाँ पर। तो आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई कस्टमाइज मशीन करनी है या लेनी है तो वो हम यहाँ पर आपको अवेलेबल करा देंगे। अगली वीडियो में लेकर के आता हूँ दोस्तों कुछ ना कुछ और आपके लिए। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।